कैसे पढ़े हैं, देखें, बात करके देखते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी भाई, कैसे लेट हो यहाँ पे? दो मिनट उठोगे आप? जी भाई, चार दिन से खाना नहीं खाया भाई। क्या हुआ, मतलब क्या बताएंगे थोड़ा सा अपने बारे में? मैं लोहा वाली कंपनी में काम करता था, तो वहाँ से निकाल दिया है। तो चार दिन अच्छा, वहाँ से निकाल दिया था आपको? कितने दिन हो गए निकाले हुए? 15 दिन हो गए। अच्छा, तो अभी कुछ खाना खाया आपने? नहीं, 4 दिन से कुछ भी नहीं खाया। बहुत परेशानी हो रही होगी तो है? हाँ जी। तो दो मिनट रुको, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने का थोड़ा इंतजाम करता हूँ। ये कौन आपके साथ में है ये? हाँ, इनके पैर टूट गए। अच्छा, पैर में प्रॉब्लम है इनके? हाँ। और बोल उल पाते हैं? नहीं। चलो मैं खाने का इंतजाम कराता हूँ। थोड़ी मेहनत भाई, ये पानी पी लो आप। ये रख लीजिए तरी के लिए। तो मैं आपकी कुछ मदद कर देता हूँ, जिससे क्या है कि पहले से नहीं, थोड़ा जोर। कैसा है सिलम? हाँ मस्त भाई, क्या कर रहे हो तुम? यार ये दो बंदे परेशानी में थे, मैंने सोचा कुछ मदद कर दें इनकी। अच्छा, कौन है ये लोग? सारे देखे लोग लोहे की फैक्ट्री में काम करते थे, फैक्ट्री से निकाल दिया, न रहने के लिए घर है, घर से मकान मालिक ने निकाल दिया। इतना अच्छे अट्ठे गट्ठे दिख रहे हैं, हट्टे कट्टे दिख रहे हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन में ना जा पा रहे हैं ये घर पे, ना कुछ कर पा रहे हैं, तो कुछ तो मदद हम कर ही सकते हैं इंसानियत के नाते। यार छोड़ो यार ये सब चीज़ें, चलो मेरे साथ चलो यार। नहीं यार भाई, मैं समझा करो। अबे यार क्या कर गए, ये कुछ नहीं होता यार, तुम लोग ये क्या क्या हेल्प कर गए इन लोग को, ऐसे बैठे करते हैं? ऐसे नहीं, बंदे बाकी में भूखे हैं, उन्होंने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, रहने यहीं पर सोते हैं। बताया तू चल यार, गांधे यार। नहीं यार भाई, मानिए चल भाई, ऐसा है मैं नहीं जाऊँगा, मैं उनका पहले हाल जानता हूँ, फिर जो मुझसे हो सकेगा वो उनकी मैं मदद करूँगा। तुझे जाना तू जा सकता है, मैं तुझसे बाद में मिलता हूँ। भाई क्या बात कर रहे यार तुम, ऐसे शिवम यार समझा कर तू यार। भाई यार तुम ऐसे मत करो, चलो यार, तुम अगर खुद की तो खाने पीने के नहीं होते, दूसरे को देते हो तुम यार। तो भाई मदद नहीं कर सकता मत कर, लेकिन बीच में मत आ, ठीक है? मैं मिल लूँगा। चल यार, तुम्हारी यही आदत है, रहने दो यार। नाम क्या है आपका? सोनू। सोनू, आप ये ले लीजिए, 1000 रुपये हैं, जिससे आपका क्या है कि 8 दिन का जो भी खाने पीने का होगा वो आप, मैं अरेंजमेंट करा दूंगा या दिला दूंगा, मेरे साथ चल लियो, और रहने का मैं आपका करा देता हूँ। काम फैक्ट्री में काम करते थे। हाँ। तो कोई कमरा वगैरह था आपका? हाँ था। फिर क्या हुआ वहाँ पे? फिर अब जब मेरे को कंपनी से निकाल दिया, तो मेरा मकान मालिक ने भी निकाल दिया। मकान मालिक ने निकाल दिया? हाँ जी। क्या बोला उसने? अब जब मेरे पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो वो तो निकालेगा। अच्छा, मोबाइल वगैरह है आपके पास? नहीं कुछ नहीं है। चलो आपका खाने का इससे हो जाएगा जो भी है। हाँ, हाँ, बाकी मैं आपको कम रहने का इंतजाम करा देता हूँ। देखो मैं ज़्यादा बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन जो भी मैं कर पाऊँगा वो मैं ज़रूर करूँगा, जिससे कि आपकी थोड़ी परेशानी कम हो जाए। ठीक है, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ भाई, आप भी आ जाओ, सामान उठा लो अपना, ले लीजिए। देखो भाई, यहाँ पे ये कमरा है, इसमें जो भी मतलब आप देख लेना, जब तक फ्री है लॉकडाउन, जब तक आपका लॉकडाउन नहीं खुल रहा, जब तक आप टाइम काट सकते हैं। आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। ये जब तक जो भी परेशानी है तो आप यहाँ पे काट सकते हो टाइम, ठीक है? अपना सामान वगैरह इधर रख लो, ठीक है? बाकी खाने पीने का सामान मैं मंगवा दूंगा, मेरे साथ में चल लेना, या मैं लड़का भेज दूंगा आपके साथ में, ठीक है? अभी खुश हो ना, कोई परेशानी वाली बात नहीं? अभी खुश हो? हाँ जी भाई, ठीक है, अपना सामान इधर रख लो। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी ऐसी परेशानी में अगर कोई फंसा है तो आप इस तरीके से मदद कर सकते हैं किसी की। किसी को ऐसा ना करें, जहाँ पे कोई किराए पे अगर रह रहा है तो मतलब उसे अपने रूम से निकाल लो, कमरे से निकालना,
इस टाइम पे बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सेफ़ नहीं है। और जिस कंपनी में भी या फैक्ट्री में कोई बंदा अगर काम कर रहा है तो उसे करने दो, एटलीस्ट उसे खाना तो मिलता रहे वहाँ उसके ज़रिए, तो उसे एकदम फैक्ट्री से ना निकालें, ऐसा एकदम सड़क पर उसे ना छोड़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।